2019 विजय के लिए दिल्ली में भी हालांकि बीजेपी का महाधिवेशन चल रहा है। एक तरफ गठबंधन उत्तर प्रदेश में बन रहा है 2019 के लिए फतेह हासिल करने के लिए, वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो दिल्ली में उसका भी महाधिवेशन चल रहा है, दूसरा दिन आज है। और अधिवेशन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल कहा कि यूपी में सीटें कम उनकी नहीं होंगी, फिर भी मोदी सरकार ही बनेगी। अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लेकर के कहा कि जो खुद जमानत पर घूम रहे हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। उन्नीस की राजनीतिक लड़ाई का नगाड़ा बज चुका है, सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव को दो विचारधाराओं के बीच युद्ध करार दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव की तुलना पानीपत के तीसरे युद्ध से की। अमित शाह ने कहा कि 2019 की चुनावी लड़ाई देश पर सदियों तक असर छोड़ेगी और मोदी फिर प्रधानमंत्री बनकर आएंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली और सदाशिव भाव के बीच में लड़ाई हुई। दुर्भाग्य से पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा सैन्य हार गया। परिणाम क्या हुआ? सिर्फ एक युद्ध नहीं आ रहे, 131 युद्ध जीतने वाली मराठा सेना एक युद्ध हार गई, देश 200 साल तक गुलामी की खप्पर में धस गया, 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पर राज। तो स्थिति स्पष्ट उत्तर प्रदेश में फिलहाल दिखाई दे रही है, यहाँ सीटों का बंटवारा बीएसपी और एसपी के बीच में हो गया है।